नमस्कार, मैं मनु और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजनीति में आने का ऐलान कर बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है। इसी बीच चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को अपना पुराना मित्र बताकर नए राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की है। चिराग के बयान से सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में नया राजनीतिक मोर्चा बनने जा रहा है। प्रशांत किशोर अगर राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो सक्रिय राजनीति में यह उनकी दूसरी पारी होगी। पिछली पारी में जदयू के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने छात्रों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था। इस बार भी किसी औपचारिक ऐलान से पहले प्रशांत किशोर पटना विश्वविद्यालय के वर्तमान और पुराने छात्र नेताओं से मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर के इस कदम को लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सवाल पर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इन सब बातों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि कैमूर में लोजपा अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का ना सिर्फ स्वागत किया बल्कि कहा कि बिहार के लिए वो नया चेहरा नहीं है, वह मेरे पुराने मित्र हैं। वहीं चिराग पासवान ने मंगलवार को कैमूर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि आपसी विरोधाभास में एनडीए की सरकार गिर जाएगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा और हमारा गठबंधन होगा जो बिहार की राजनीति को नया मोड़ देगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्थ पिलर लाइव।